हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसके लॉ क्लासेस आज की वीडियो में लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जुडिशल प्रोसेस इन इंडिया जो कि एलएलएम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है और जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने कुछ ट्रिक्स वाली एक वीडियोज अपलोड की थी हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स एंड ट्रिक्स फॉर गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स इन एल तो उसके बेस पर मैंने एक आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ तो बेसिकली ये जो in सब्जेक्ट है ये कोड वन जीरो वन है फर्स्ट सब्जेक्ट है लॉ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जुडिशल प्रोसेस इन इंडिया जिसमें ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये लिए गए हैं बेसिकली पी क्लासेस जो हेल्ड हुई थी फरवरी में उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे हमारे डायरेक्टरेट ऑफ सब्जेक्ट्स ने मतलब जो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे तो उनके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए हुए हैं तो आज उनको आपसे सबसे डिस्कस करने वाला हूँ तो आइए वीडियो को लंबी ना करते हुए इन शॉर्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लेके चलते हैं तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूनिट वन के क्वेश्चंस दिए गए हैं तो टोटल फोर यूनिट्स यूनिट्स में से एवरी यूनिट में दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये यूनिट वन के क्वेश्चन जो नोट डाउन किए हुए हैं जो कि लास्ट ईयर के पेपर से भी आए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बताए थे तो यूनिट वन में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन था प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी से लेकर जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ़ यूटिलिटी उसमें देख रहे होंगे थर्ड क्वेश्चन भी है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ये दो बार इसलिए रिपीट किया गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जितनी बार रिपीट हुए हैं ये उसके बेस पे नोट डाउन किए गए हैं तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में से मेन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी उसको एक्सप्लेन कीजिए एज गिवन बाय बेंथम एंड सेकेंड है पेन एंड प्लेजर का प्रिंसिपल विच वॉज प्रपाउंडेड बाय जर्मी बेंथम तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में से बेसिकली एक आपका क्वेश्चन हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी प्लीज एक्सप्लेन एंड सेकेंड हो गया प्रिंसिपल ऑफ पेन एंड प्लेजर एज गिवन बाय बेंथम्स इसका सेकेंड क्वेश्चन हमारा आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल कोड क्वेश्चन नंबर सिक्स जैसे लिखा है डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल कोड एज गिवन बाय बेंथम तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद है थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ पीनल कोड डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ पीनल कोड एज गिवन बाय बेंथम तो टोटल यूनिट वन में से बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे थ्री क्वेश्चनस बन रहे हैं जो कि फ़र्स्ट है यूटिलिटी से रिलेटेड सेकेंड सिविल कोड थर्ड है पीनल कोड तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट वन से लेके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अब देखते हैं हम यूनिट टू के बारे में यूनिट टू में भी हमारे हमें ये क्वेश्चन वन टू एट मैंने नोट डाउन किए गए हैं तो जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर डिस्कस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ ऑर्डनरी बिल्स

also discuss control mechanism of administrative rule making in india second explain delegated legislation what is its need and what is classification of delegated legislation discuss third what are the constitutionality permissible limits beyond which the legislature can not delegate law making function to administrative authorities in india discuss referring to relevant case laws and it's my third इम्पोर्टेंट हेडिंग है सिविल डिसऑबीडियंस ऑफ लॉ राइट नोट ऑन सिविल डिसऑबीडियंस ऑफ लॉ इट मीन्स कि यूनिट टू में भी आपके टोटल थ्री मेन हेडिंग्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं तो जिनको हमें अच्छे से गोन्थ्रू करना है उसके बाद आते हैं हम यूनिट थ्री में यूनिट थ्री में फर्स्ट है हमारा लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इसमें वन और टू क्वेश्चन सिमिलर है लगभग लॉ इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज या लॉ हैज बीन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज विद केस लॉज सेकेंड रिलीजन एंड लॉ एंड लैंग्वेज एंड लॉ थर्ड क्वेश्चन है रिलीजन इजिजिवी फैक्टर वेर इज वेर आर सेक्युलरिजम अ सोल्यूशन एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ है लैंग्वेज एंड लॉ फिफ्थ है वुमेन एंड लॉ एंड है क्रिमिनल एंड लॉ सेवेंथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ एंड एथ फैमिली लॉ तो ये जो है टोटल यूनिट थ्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिए गए हैं आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फिर लास्टली हम आते हैं यूनिट फोर पे यूनिट फोर का फर्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियल लेजिसलेन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डरिंग देन सेकेंड हेडिंग है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉब्लिकल जुडिशियल एक्टिविज्म तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जुडिशियल रिव्यू के लेके और एंड अनदर टॉपिक हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म एंड टोटल एंड थ्री लास्ट सब हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जिसमें हम मेंशन कर सकते हैं वेरियस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड वेरियस थ्योरीज ऑफ जस्टिस एंड लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस तो जैसे कि फ्रेंड्स इसमें हमने देखा कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट तो हमारा हो गया जुडिशियल लेजिस्लेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ऑर्डरिंग सेकेंड हो गया जुडिशियल रिव्यू थर्ड हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म एंड फोर्थ हो गया कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ जस्टिस तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वन टू थ्री फोर के जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बेसिकली जो हमें पीसीपी क्लासेस में जो अच्छे से हमें बताए गए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर पेपर्स और फ्रेंड्स क्या है कि इसके आंसर्स भी मेरे पास अवेलेबल है तो अगर आपकी डिमांड हो तो वो भी मैं वीडियोस उसकी भी सेपरेट क्वेश्चंस की भी बना सकता हूँ तो आप होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like, है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी वीडियोज भी मैं ऐसे अपलोड करके आप सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आगे काफ़ी हेल्पफुल होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो